हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे लेक्चर 5। हम लोग लास्ट क्लास मैंने क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग कर रहे थे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में दैट इज लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में मैंने आपको को समझाया था मैटर क्या होता है और उसी के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी समझाया था। उसके साथ साथ हम लोग पढ़े लेक्चर 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर और उसके बाद हम लोग पढ़े कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को लेक्चर 4 में एक्सप्लेन किया था डिफ्यूजन के बारे में और दैट इज मैटर को हम लोग उसका स्टेट को कौन सा कंडीशन से चेंज कर सकते हैं। तो पहला था दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कोई भी मैटर अपना स्टेट को बदल सकता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस। तो अगर ये जितना भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 उसको अच्छे से देखें। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज जब मैटर अपना स्टेट को चेंज करता है तो हम लोग देखे थे लेक्चर 4 में कि टेम्परेचर को चेंज करने से मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा और मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि प्रेशर को चेंज करने से मैटर का स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे प्रेशर को चेंज करके मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। तो सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर टू चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहां पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा जिसकी वजह से जो भी मैटर होगा ठीक है वो अपने स्टेट को बदल दे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आपको प्रेशर पता होना चाहिए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लोग प्रेशर। जैसे एग्जांपल, ये बोर्ड पे अगर मैं ये मार्कर के ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये मार्कर क्या कर रहा है, ये इतना एरिया में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, ये मार्कर क्या कर रहा है, इतना एरिया में ही क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो एक गिवेन एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। ऐसे भी बोल सकते हैं अगर ये मेरा हाथ हो गया और बोर्ड पे रखू और इसको पुश करो तो मेरा हाथ जो है इतना एरिया कवर कर रहा है ये बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना, तो ये बोर्ड के ऊपर इतना एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जो मैंने बताया उसको मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रेशर का। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट मतलब मेजर करना। प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करेंगे, किस फॉर्म में, जैसे वेट को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है, मास को मेजर करते हैं हम लोग केजी में। इन द सेम वे यहां पे प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। लेकिन जो एसआई यूनिट होता है क्या, पास्कल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करेगा। तो याद रखिएगा मैटर अपना स्टेट को चेंज तभी करेगा जब हम लोग या तो प्रेशर को इंक्रीज करें, ठीक है, बढ़ाए या उसको डिक्रीज करें। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तब भी मैटर का स्टेट चेंज होगा और प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तब भी मैटर का स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो अगर देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने डायग्राम लिखा है, यहाँ पे गैस दिया है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है और ये मैंने सिलेंडर दिया है, ये मान लीजिए क्या है, सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन, जैसे आप लोग इंजेक्शन देते होंगे तो इंजेक्शन में क्या होता है, एक पिस्टन जैसा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग वो पिस्टन को मूव करते हैं
पुश करते हैं तो लिक्विड टू क्या हो जाता है, बाहर फेंकने लगता है ना। तो दैट मीन्स वो जो सिरिंज है ठीक है ना, वो क्या हो गया, एक टाइप का बोल सकते हैं पिस्टन जैसा बिहेव करता है, पिस्टन और सिलेंडर जैसा ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर क्या है, गैस है ठीक है। अब गैस को जैसे मैं कॉम्प्रेस करूंगा, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाया ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में ठीक है। और जैसे ही और मैं इसको कॉम्प्रेस करूंगा और मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो वो जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में ठीक है। इन द सेम वे जैसे मैं प्रेशर को, जैसे मैं प्रेशर को क्या करता हूं, छोड़ता हूं मतलब डिक्रीज करता हूं ठीक है, तो ये वापस क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द सेम वे जैसे मैं प्रेशर को क्या करता हूं और डिक्रीज करूंगा, लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप लोग सिलेंडर देखे होंगे, तो सिलेंडर क्या होता है, जब मूव करते हैं घर में जो एलपीजी यूज होता है, सिलेंडर इतना बड़ा होता है ठीक है, उसको जब मूव करोगे ठीक है, तो मूव करने के बाद आपको साउंड देगा किसका जैसा, लिक्विड जैसा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, गैस होता है। कैसे, बिकॉज जितना भी गैस होता है, जो उसमें गैस प्रेजेंट होता है, उसको बहुत ही हाईली कॉम्प्रेस करके ठीक है ना, उसको भरा जाता है, जिसके वजह से अगर बहुत ही हाई प्रेशर में वो गैस को भरा जाता है। तो अभी मैंने बताया, जब प्रेशर को आप लोग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, लिक्विड में कोई भी गैस अगर उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में ठीक है। और उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो किसमें हो जाएगा, सॉलिड में ठीक है। और जैसे आप लोग क्या करोगे, वो प्रेशर को डिक्रीज करोगे, मतलब जो प्रेशर लगाया था ना उसको क्या किया, आपने खोल दिया, तो वापस वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लिक्विड में आएगा, फिर किसमें आएगा, गैस में ठीक है। जैसे हम लोग बॉडी स्प्रे मारते हैं, तो जब बॉडी स्प्रे जो होता है उसमें हाईली कॉम्प्रेस करके डाला जाता है, मतलब डालते हैं उसको ठीक है। तो अगर डालते हैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके उसको, गैस को उसमें फिट कर देते हैं, और इसीलिए उसको मूव करते तो वो क्या साउंड देता है, लिक्विड जैसा, लेकिन एक्चुअल में वो गैस होता है। लेकिन जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं तो क्या निकलता है, लिक्विड तो निकलता नहीं है, क्या निकलता है, गैस ठीक है। तो ये था कि प्रेशर को अप्लाई करके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करे तो मीटर का स्टेट चेंज हो सकता है ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर का यूनिट जो होता है ठीक है, वो ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी क्या होता है, दूसरा यूनिट होता है ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नंबर केल्विन में दिख रहा होगा, ये केल्विन से हम लोग को किस में लेके जाना है, डिग्री सेल्सियस में। इसके पिछले वीडियो में, दैट इज लेक्चर 4 में मैंने समझाया था, कोई भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें ठीक है। तो कोई भी नंबर को क्या करना है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो वो नंबर को 273 के साथ प्लस करना है ठीक है। लेकिन यहां पे क्या करना है, जस्ट उल्टा ऑपोजिट करना है। अगर केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है, तो आप लोग क्या करना है, नंबर को लिख देना है सेम ठीक है, और उसके साथ आपको क्या करना है, उसमें माइनस करना है 273 ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में था, किस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो नंबर को पहले लिख लेना और माइनस 273 कर देना ठीक है। तो आपको एक ट्रिक तो याद रखोगे कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है ठीक है, तो आपको प्लस 273 करना है ठीक है, और केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आपको क्या करना, 273 माइनस करना पड़ेगा ठीक है। तो यहां पे केल्विन था तो मुझे डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस 273 ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे भी सेम करना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर को पहले लिख लेंगे और माइनस कितना करना है, 273 ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस ठीक है। याद रखिएगा, जब माइनस 273 आप लोग लिख लिया तो यहां पे डिग्री सेल्सियस ही देना है, ना कि केल्विन। अगर केल्विन देते हो तो यहां पे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ठीक है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 200
डिग्री सेल्सियस जो कि नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम चीज करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर होगा उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या दिया मुझे 100। ठीक है, 100 में से कितना माइनस करना है मुझे, दैट इज 273। तो माइनस 273, ठीक है, ये किसमें हो गया, डिग्री सेल्सियस में। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा पास कितना आ जाएगा, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस। अभी माइनस में क्यों आया, बिकॉज छोटा से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी केल्विन स्केल को आप लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आप लोग को, दैट इज लेक्चर 5 में, कि प्रेशर क्या होता है, और उसी के साथ साथ मैंने बताया प्रेशर को किससे मेजर करते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि जब प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो भी गैस होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, और लिक्विड फिर जब प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड के ऊपर तो किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। इसी के साथ साथ ये भी बताया मैंने आपको कि जब हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फिर से क्या होता है, सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में और लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। ठीक है, और मैंने आप लोगों को सिखाया दैट इज कन्वर्जन बिटवीन केल्विन से हम लोग डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इवापोरेशन किसे कहते हैं और साथ ही साथ लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अच्छे से इवापोरेशन समझना है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।